हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक आप सभी लोगों को पता है आज के दिन के लिए बहुत ही पॉपुलर रहने वाला है, जिससे रिलेटेड मैंने कल भी वीडियो बना दिया था। बट ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड मीटिंग अभी भी येस बैंक की चल रही है। उसका आउटकम जब भी आएगा मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या हो गया है। बट ये वीडियो है येस बैंक की बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड नहीं है। एक बहुत ही बड़ी, उससे भी बड़ी अगर हम लोग कह सकते, बोर्ड मीटिंग से भी बड़ी एक न्यूज़ सामने आ चुकी है दोस्तों येस बैंक से रिलेटेड, जो कि हम लोग कह सकते कि आप सभी लोगों को पता है कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं एंड किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। हावेवर अगर आपको उसको क्रॉस करने तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना एंड वो आर्टिकल ऑफ एन एसोसिएशन अमेंड करना। जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से ये बात पता चल गई होगी मैंने अभी क्या बोला है। तो ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों कि कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं, तो वो डायरेक्टर तो ठीक है, बट कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके आता है ना बंदा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो। एंड आज दोस्तों उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि येस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। एंड जो उन्होंने बातें बताई है कि उनके रिजिग्नेशन के पीछे की वजह क्या है, तो वो अगर आप देखोगे तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि येस बैंक के शेयर में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं वो न्यूज़ क्या है। बट उससे पहले हम लोग हमेशा की तरह यहाँ पे फॉर्मेलिटी कर ही लेंगे कि येस बैंक का चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, जो कि अब ज़बरदस्त नीचे आ चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 5% की गिरावट अगर हम लोग एग्रीगेट गिरावट की बात करें, मतलब अगर हम लोग नीचे जाके बात करें तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो ये 8% से 7% तक येस बैंक के शेयर में गिरावट हो चुकी थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई एंड उसके बाद हम लोग को जो नेट गिरावट है वो 4% से 5% के बीच देखने को मिली है। ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है वो 45 रुपीज के नीचे क्लोजिंग हुई है फिलहाल, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हो। तो NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक से रिलेटेड आज के दिन का परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं। सो 10th of Jan आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 16% लोगों ने इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। तो चलिए दोस्तों ये तो सारी चीज़ें हो गई, बेसिक हो गई। तो अभी हम लोग आ जाते हैं येस बैंक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो हाईलाइट रहती है न्यूज़ की, उसकी रिलेटेड तो आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक डायरेक्टर रिजाइन एंड साइटिंग द गवर्नेंस इशू, एंड उसके बाद ही शेयर में हम लोगों को 4% की गिरावट दिखी। उसी के साथ साथ बाद में आप देख सकते हो मनी कंट्रोल वेबसाइट पर भी यही चीज़ आ गई कि येस बैंक के शेयर में हम लोग को 7% की गिरावट देखने को मिली आफ्टर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। हर एक इसमें अगर आप देखोगे तो येस बैंक बोर्ड मेंबर रिजाइन साइटिंग द पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो हर एक अगर आप गूगल पे भी सर्च आउट करोगे तो आप लोगों को यही न्यूज़ सुनने को मिलेगी जो कि येस बैंक से रिलेटेड फिलहाल आ रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर से शुरुआत करेंगे कि यहाँ पे उनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनका नाम क्या है एंड उन्होंने ऐसे क्या आरोप लगाए कि उनके रीज़न क्या है कि रिजाइन के पीछे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हेडिंग येस बैंक डायरेक्टर रिजाइन और साइटिंग द गवर्नेंस इशू एंड द शेयर, उसके बाद 4% ड्रॉप हो गया। तो ये कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, बहुत सारे लोग कभी कभी पर्सनल रीज़न देते हैं कि हम लोग रिजाइन क्यों दे रहे, बट उन्होंने क्लियर कट कहा है कि साइटिंग द रीज़न ऑफ अ गवर्नेंस इशू। गवर्नेंस मतलब कंपनी में जो चीज़ें चलती है वह अकॉर्डेंस विद द लॉ चलती है कि नहीं, जैसे चीज़ों को कहा है वैसे फॉलो किया जाता है कि नहीं। तो वहाँ पर उन लोगों को क्या लग रहा है, मिस्टर जो अग्रवाल है उनका नाम आप यहाँ देख सकते हो, उत्तम प्रकाश अग्रवाल, ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजाइन किया। उन्होंने कहा है कि वो गुड गवर्नेंस यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे फाइनली रिजाइन करने का सोच लिया है। मैं वापस आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये डायरेक्टर होना अलग बात होती है एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ये बहुत बड़ी बात होती है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहाँ पे रिजाइन दिया है तो ये जरूर येस बैंक के लिए बहुत ही चिंता वाली बात बनती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उत्तम प्रकाश अग्रवाल रिजाइन ऑन अ फ्राइडे साइटिंग द डेटोरिएटिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस फेलियर एट द लेंडर, मतलब येस बैंक की बात करिए। डेटोरिएट मतलब खराब होना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसको फॉलो ना करना एंड उसी के साथ साथ जो कंप्लायंस की जो बातें होती है फुलफिल करना, वो भी उन्होंने क्या किए, फेल किए, मतलब उसको वो नहीं प्रॉपरली फॉलो करते। उसी के साथ साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो उन्होंने और क्या बोला है, ही सेड द प्राइवेट सेक्टर बैंक इज ड्रिवन बाय द मैनेजमेंट एंड नॉट ड्रिवन बाय द बोर्ड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि येस बैंक से रिलेटेड सामने आ चुकी है। उनका सबसे बड़ा आरोप है या फिर हम लोग कह सकते हैं वजह है कि उन्होंने ऐसा रेजिग्नेशन क्यों दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द बैंक डायरेक्टिव्स आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर अग्रवाल सेड। तो आप समझ सकते हैं जो बैंक के जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या फिर जो डायरेक्टिव्स है वो कैसे जो छोटे शेयर होल्डर्स है माइनॉरिटी शेयर होल्डर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं, मतलब उनके इंटरेस्ट को सोचे बिना कोई भी डिसीजन लिया जाता है। सो आप यूजुअली देख भी सकते फंड रेजिंग से रिलेटेड कितना डिले हो जाना, सो उसके बाद वो कंसिस्टेंटली शेयर नीचे चला आना, तो ये सारी चीज़ें ये इसी में ही कवर हो जाती है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये मिस्टर अग्रवाल जी है, उन्होंने ये सिर्फ बातें बोली भी नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म भी कर दिया रेगुलेटरी बॉडीज को कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे एंड इन इशू के ऊपर अभी रेगुलेटरी बॉडी भी ध्यान देगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसी के साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है, जैसे कि आई हैव रेज माई कंसर्न ऑन दिस वेरी क्रिटिकल मैटर फ्रॉम द टाइम टू टाइम। सो ये जो चीज़ें उनको जो वो एग्री हो नहीं हो रहे थे, मतलब डिसएग्री हो रहे थे, ऐसी नहीं थी कि उन्होंने डायरेक्टली रिजाइन कर दिया, उन्होंने टाइम टू टाइम यहाँ पे जो बैंक्स के जो हेड रहते उनके साथ उन्होंने बात करने की कोशिश की, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिला होगा या फिर उनकी कोई भी बात को सुना नहीं दिया होगा या फिर अनदेखा किया गया होगा, एंड इसलिए उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया। उसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं अग्रवाल ऑल्सो एडेड दैट ही इज़ नॉट ओके विद द प्रोसेस फॉर अ फंड रेजिंग। सो आप देख सकते हैं जो प्रोसेस को भी फॉलो किया जा रहा है फंड रेजिंग से रिलेटेड, उसके साथ भी वो क्या है, नॉट ओके मतलब वो खुश नहीं है जो फॉलो किया जा रहा है मेथड को। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखते तो ये ज़रूर कह सकते कि जो अंदर बातें चल रही है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली है, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते जो येस बैंक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना दोस्तों बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 करके आता है, उसमें जाके आप कंडीशन पढ़ लेना, इतना फिल्टर लगाया है। अगर आपको किसी भी बैंक में अगर या फिर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, इतना टफ लेवल का जो प्रोसेस होता है उसको पार करने के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं, मतलब आपका बैंक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जो सच है वो सामने रखने का। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन देता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला ये बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि उनका जो भी स्टेटमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोग करके सच मानते हैं। सो दोस्तों यही न्यूज़ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि फिलहाल सामने आ चुकी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली न्यूज़ है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हम लोग मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर भी आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों को इस इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि येस बैंक के शेयर में 7% तक की गिरावट हुई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइंस। तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी उन्होंने बताई है, उनका नाम आप पढ़ सकते हैं, उत्तम प्रकाश अग्रवाल हु फ्लैग द कॉरपोरेट गवर्नेंस कंसर्न, जो कि यहाँ पे उन लोगों को गड़बड़ी नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिस्टर अग्रवाल का जो टेन्योर था, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी ऑफिस ज्वाइन करते तो वो 5 साल के लिए वहाँ पे ऑफिस ज्वाइन करते हैं। सो नवंबर 2023 तक उनका जो टेन्योर था, बट उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, एंड उसका रीज़न भी उन्होंने बताया, कंसर्न ओवर द कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो डेफिनेटली ये अभी चेक करना पड़ेगा अंदर क्या चल रहा है, क्या इशू है, उसी से रिलेटेड अगर हम लोग देखते तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिए। बट अग्रवाल जी का और एक बड़ा स्टेटमेंट है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले वो डिसएग्री थे, और वो कौन से इश्यू से रिलेटेड थे, कैपिटल रेजिंग मतलब फंड रेजिंग से रिलेटेड, एंड ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने डायरेक्टली रिजाइन किया है, इससे पहले भी जो 2 बार बोर्ड मीटिंग हुई है ये मुद्दा उन्होंने उठाया था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो शायद से उनको कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा, एंड इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं अभी ये इशू और भी बड़ा हो सकता है, बट फिलहाल अगर येस बैंक की बात करें तो आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अभी भी चल रही है, एंड उसका जो डिस्कशन है वो अभी भी हो रहा है, जहाँ पे हम लोगों को फंड रेजिंग के साइज से रिलेटेड न्यूज़ लेटर ऑन पता चल जाएगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप सामने देख सकते हो, एंड वीडियो को क्लोज करने से पहले जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी ऐसी लॉ की बातें आती है सामने तो आपके सामने वो सेक्शन हमेशा रख देता हूँ जो लोग नॉलेजेबल रहते हैं, मतलब जिन लोगों को डीप में पढ़ने का होता है, तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लॉ के टर्म्स में यूज़ किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 149 कंपनीज एक्ट 2013
इसको अगर आप गूगल करोगे एंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप पढ़ सकते हो mca.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे मैंने कहा सेक्शन 149 बहुत बड़ा है, तो उसमें सब सेक्शन 6 में जाना है। नंबरिंग आप देख सकते हो, तो नंबर 6 में अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, तो अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसके बाद आप देख सकते हो ए बी सी डी, बहुत बड़ी ये लिस्ट है, इसको आपको फुलफिल करना होता है। एंड उसके बाद आप किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो। एंड अगर उनका रिजिग्नेशन, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि 149 सबसेक्शन 6 है, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। एंड रिजिग्नेशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि वो 5 साल तक उन्होंने ऑफिस होल्ड करना चाहिए, बट सेक्शन 168 ये पावर देता है रिजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो वो रिजाइन कैसे कर सकते हैं उसकी भी प्रोसेस यहाँ पे बताई है कि उनको रीजन बताना पड़ता है, आरबीआई को भी बताना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। सो जो लोग इंटरेस्टेड है वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 168 जहाँ पे रेजिग्नेशन की बातें लिखी हुई है, वो यहाँ पे चाहे तो टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ सकते हैं। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। आयो आशा करता हूँ दोस्तों आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।